दोस्तों, आज की वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमें ज़रूरत है हमारे शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाने की, इसे मजबूत करने की। तो इसके लिए मैं आज आपको इस हेल्दी ड्रिंक को बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है। पैन को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब मैं सबसे पहले ले रही हूँ यहाँ पर 4 लौंग। ये देखिए, लौंग की तासीर काफ़ी गर्म होती है। लौंग हमारे गले की खराश, खांसी, जुकाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ दूसरी चीज़ यहाँ पर, 4 से 5 दाने काली मिर्च के। ये देखिए, काली मिर्च भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो इस ड्रिंक में हम काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 छोटी वाली हरी इलायची। ये देखिए, तो इलायची में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी इम्यून पावर को काफ़ी मजबूत बनाते हैं। तो ये इलायची भी डाल दी है मैंने पैन में। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चौथी चीज़, वो है सौंफ। तो सौंफ की जो तासीर है काफ़ी ठंडी होती है। हम इसमें जो मसाले ले रहे हैं काफ़ी गर्म हैं, तो सौंफ इसे अब बैलेंस करेगी। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। तो मसालों को मैंने यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ये देखिए। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा करेंगे। इसके बाद इसका कूट कर एक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो पाउडर मैंने बना लिया है। इसके बाद मैंने गैस पर बर्तन रख दिया है। बर्तन हल्का गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 कप पानी। तो ये 1 कप पानी डाल दिया है मैंने और इसके साथ ही इसमें 2 कप पानी भी डाल दिया है। गर्म होने देंगे पानी को। तो ये देखिए, यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी में भरपूर मात्रा में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे अंदर की इम्यून पावर को काफ़ी मजबूत बनाती हैं। तो ये दालचीनी डाल दी है मैंने पानी में। इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चक्रफूल। इसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके छोटे टुकड़े कर कर डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे भी पानी में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। अदरक भी काफ़ी फायदेमंद होती है जुकाम के लिए, गले की खराश के लिए। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम अदरक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये अदरक भी डाल दी है मैंने पानी में। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। तो ये भी हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो ये हल्दी का पाउडर डाल दिया है मैंने पानी में। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो उबाल आ चुका है, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये जो मसाले हमने रोस्ट करके और कूट कर रखे हैं, इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसे हम पकने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो इन सभी मसालों को पकाते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसे हम थोड़ा सा मीठा करेंगे। तो हम इसे 2 तरीके से मीठा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मीठा करने के लिए। आप इस काढ़े को पहले छान लें, फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। तो आप इसे इस तरह से भी मीठा कर सकते हैं, या फिर आप शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर गुड़ मिला रही हूँ। तो ये देखिए, गुड़ को डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गुड़ के साथ में लगभग 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो मैंने इसे लगभग 1 मिनट के लिए और पका लिया है
और ये हमारा हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे छानकर अलग कर लेंगे। और अब मैंने ये देखिए इस ड्रिंक को बारीक छलनी से छान लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना होने तक चम्मच की सहायता से ठंडा कर लें। और अब ये हमारा हेल्दी ड्रिंक पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको इसे पीने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपको इसे कैसे लेना है। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारी इम्यून पावर को बढ़ाने वाला हेल्दी ड्रिंक। आप इसे रेगुलर दिन में 2 बार पी सकते हैं, और आप इसे अगर रेगुलर दिन में 2 बार नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसे सप्ताह में 2 बार भी पी सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा खांसी में, जुकाम में, गले की खराश में। तो आप इसे अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आप स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। इसी के साथ ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।